वेलकम टू नबीहा नूर व्लॉग। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं हम नबीहा नूर का हेयर कट करवाने के लिए। ये देखो, इसके बाल देखो कितने लंबे लंबे बाल हो गए हैं, मतलब ना बहुत लंबे बाल। और ये देख रही है ऊपर कबूतर बैठा हुआ है, तो ये कबूतर बहुत शौक से देखती है। बेबी चलें, हम चलें सैलून, चलें सैलून चलें। ये देखो इसके बाल। और अब हम जा रहे हैं सैलून। छोड़ो, चलो, हाँ हाँ चलो चलो, चलते हैं, चलो 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 चलो। नीचे उतार दिया, चलो चलो चलो, दरवाज़ा खोलो। ओ ये खोला हमने, चलो और हम चले पाली। और ये हो रहा है नबीहा नूर का हेयर कट। अब हम आए हुए हैं सैलून, आए हुए हैं इसका हेयर कट करवाने के लिए। अब हम आपको दिखाएंगे इसके हेयर कट करने का बाद का लुक। सो स्टे ट्यून्ड। आ गए हम घर। नबीहा का हेयर कट हो गया है, जो कि आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि नबीहा का हेयर कट कैसा लग रहा है। और आज मेरे पापा की बरसी है आज, तो हम बना रहे हैं लजीजा खीर मिक्स। ठीक है, दूध गर्म हो गया है, होने वाला है। अब उसके अंदर डालेंगे लजीजा खीर मिक्स। मेरे पापा की आज बरसी है। और ये नबीहा भी नीचे खड़ी हुई है, इसने भी नहा लिया है। इसका मैं, इसके बाल सूख जाएं तो मैं दिखाऊंगी कि इसका हेयर कट होने के बाद कैसा लग रहा है अब। और ये खीर, दूध गर्म हो गया है। मैंने बोला खीर, हमारी ज़बान में, कच्ची ज़बान में हम लोग खीर बोलते हैं दूध को। तो दूध उबल गया है और इसमें डाल दिया है लजीजा खीर मिक्स, और ये थोड़ी ही देर में बन जाएगी। और ये लजीजा खीर मिक्स बनकर हो गई है तैयार। अब मैं जाऊंगी नीचे बिल्डिंग में अपने पड़ोसियों को देने के लिए, और उसके बाद फिर मेरा सबक का टाइम हो जाएगा। तो फिर मैं आज मैं सबक पढ़ूंगी अपने पापा के लिए, उनके इशारे सवाब के लिए, यासीन शरीफ और ये सब मैं पढ़ूंगी। और ये मैं खीर लजीजा खीर मिक्स बिल्डिंग में बांट कर आऊँगी अभी मैं। और ये रहा नबीहा का आफ्टर हेयर कट। ये देखो बेबी, बेबी लुक एट मी। इसने नहा लिया है, शावर ले लिया आपने, और इसके बाल भी आई थिंक सूख गए हैं अब। तो अब देखो समझ में आ रहा है कि इसके बाल कैसे लग रहे हैं। अच्छा है ना, अब छोटे हो गए। और तो इसी के साथ अब कर रहे हैं व्लॉग की एंडिंग। और नबीहा भी बहुत तंग कर रही है, रो रही है। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।